भारत की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक मजबूत द्वंद्व युद्ध चल रहा है। इसी बीच में देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में अपना परचम तो लहरा रही है, लेकिन राजनीति और लोकतंत्र की जननी बिहार में भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बंटता हुआ दिखता है। भले ही इस बात को दोनों नेता स्वीकार न करें, पर सच यही है। और आप इसको गंभीरतापूर्वक अगर देखेंगे तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी और आपको यह लगेगा कि ब्रजेश मिश्रा ने जो यह बात कही है वह बिल्कुल 16 आने सच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश इकाई जिस तरीके से अपने नेताओं के चाटुकारिता में या अपना वजूद को साबित करने के लिए, अपने मजबूती को खड़ा करने के लिए जिस तरीके का कार्य कर रहा है वह दिखता है। आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा दो खेमों में बटा हुआ दिखता है। एक समय था जब सुशील कुमार मोदी की चलती थी और सुशील कुमार मोदी का एक अलग खेमा था और एक अलग खेमा था जिसमें कई लोग शामिल थे। हम उनके बारे में आज बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल की। संजय जायसवाल सांसद भी हैं और बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी, और दूसरे खेमा में हैं नित्यानंद राय जो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के पद पर काबिज हैं। और इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को काउंटर करने के लिए यादव गुट से नित्यानंद राय को आगे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और शायद यही वजह है कि संजय जायसवाल और नित्यानंद राय के बीच में काफ़ी द्वंद्व युद्ध चलता है और दोनों अपनी अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को, अपने बड़े नेताओं को दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी भारत के और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े नेता के रूप में विराजमान हो चुके हैं, तो नित्यानंद राय का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वह प्राप्त कर पा रहे हैं। नित्यानंद राय इन दोनों नेताओं के काफ़ी करीबी हैं और ऐसा भी नहीं है कि संजय जायसवाल दूर हैं, लेकिन नित्यानंद राय को जिस तरीके का आशीर्वाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी दे रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं संजय जायसवाल खुद को अपने आप में ही कमज़ोर महसूस करते हैं। अभी हाल के ही दो कार्यक्रमों में देखा जा सकता है कि भाजपा के बिहार इकाई कैसे दो खेमों में बंटता हुआ दिख रहा है। जब वीर कुंवर सिंह जी के जगदीशपुर में जब कार्यक्रम हुआ और अमित शाह आए थे तो नित्यानंद राय ने संजय जायसवाल को पूछा तक नहीं था, या यूँ कहें कि संजय जायसवाल का खेमा के लोग बाहर थे। ठीक उसी तरीके से जब बिहार के रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब बिहार आए तो इस बार संजय जायसवाल सुर्खियों में थे और नित्यानंद राय पर्दे से गायब थे। भले ही भाजपा के कार्यकर्ता और नेता इस बात को माने या ना माने, पर सच तो यही है कि भाजपा के अंदरूनी कलह धीरे धीरे कभी भी विकराल रूप ले सकता है और संजय जायसवाल और नित्यानंद राय के बीच के जो राजनीतिक अभी जो द्वंद्व युद्ध है वह कभी भी खुलकर सामने आ सकता है और भाजपा को इसका भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ एनडीए को छोड़ने की तैयारी नीतीश कुमार धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव अकेले दम पे लड़ने का एक तरीके से ऐलान ही कर दिया है और अपने नेता को चुन भी रहे हैं कि कौन कहाँ कहाँ से कौन कौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। हो सकता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो, क्योंकि भाजपा के अंदरूनी कलह अब बाजार में दिखने लगे हैं जिसका लाभ जदयू उठाना चाहता है। अगर आपको हमारी बातों में थोड़ी भी सच्चाई लगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज़, मैं हूँ ब्रजेश मिश्रा।